नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हरप्रीत जी हैं और इन्होंने एक एंटिक चीज़ को संभाल के रखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ लेके आए हैं। उसको बड़ा एकदम शोरूम पीस बनाया है, तैयार किया है इनके पास। हालांकि एक अपना ट्रैक्टर ये और भी है, महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1555, लेकिन एक ये ट्रैक्टर खास है, IMT 533, मेड इन यूगोस्लोवाकिया। चलो इनसे बात करते हैं और ट्रैक्टर के बारे में पता करते हैं भाई क्या खास बात है और कौन सा मॉडल क्या है। नमस्कार हरप्रीत जी। सर आप पहले अपना नाम एड्रेस इंट्रोडक्शन दो। सर नाम हरप्रीत सिंह, सन ऑफ हरभजन सिंह, विलेज जड़ौदा। जड़ौदा ये यमुनानगर में। अच्छा अच्छा, तो ट्रैक्टर के बाद कौन सा मॉडल है जी ट्रैक्टर? ये ट्रैक्टर 1968। अच्छा 1968 मॉडल, 1968 मॉडल है। जैसे अब इस ट्रैक्टर 30-32 साल वो हो गए, 20 साल ये हो गए, तो 52 साल हो गए इस ट्रैक्टर। तो 52 साल के बाद जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा है, तो ऐसी क्या कौन सा लगाव आपको आपके इस ट्रैक्टर के साथ में? ऐसा है जी, अब खेती के लिए तो दूसरा ट्रैक्टर है, लेकिन दूसरे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट थी थोड़ी। अच्छा अच्छा, हल्के काम के लिए। हाँ हाँ, कई बार ऐसा हमारे पास पहले 1978 मॉडल था, मेसी फर्गुसन। अच्छा मेसी फर्गुसन, हाँ, जो 35 आता था पहले। हाँ हाँ हाँ, तो हमने फिर बाद में उसको बेच के बड़ा ट्रैक्टर ले लिया। तो अब फिर हमें छोटे ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट थी, मैंने चलो मेसी लेते हैं दोबारा। अच्छा मतलब जैसे आपने पहले फर्गुसन ट्रैक्टर जो आपने चलाया है, वो तो देखो उस टाइम पे तो बड़े की डिमांड थी, तो इसलिए आपने वो सेल कर दिया। अब दोबारा एक छोटे की डिमांड आई, तो आपने दोबारा फिर मेसी ले ली। यादें ताज़ा करते हैं। अच्छा मतलब पिछले ताज़े यादें कैसे, क्या जैसे क्या अटैचमेंट जुड़ी आपके साथ में ट्रैक्टर? तो मैं सबसे पहले छोटे से मेसी पे ही चलाना सीखा ट्रैक्टर। अच्छा मेसी से चलाना सीखा। हाँ देखो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी वो बात, अगर भाई मेसी ट्रैक्टर आपने चलाना सीखा फर्स्ट टाइम, और आज आप कितने एकड़ जमीन जोतो हो आप? 20 एकड़ जमीन जोतो। 20 एकड़ जमीन जोतो, मतलब बड़े काम के लिए तो अपना अपना ये अर्जुन ले रखा है, और छोटे काम जैसे हाँ ठीक है देखो ज्यादा ट्रॉली व्रोली का काम है और छोटे मोटे कोई ना कोई काम निकलते रहे हैं। तो हल्का काम होता ही है, और एक ट्रैक्टर तो बीच खाली ले जाने कंपेन के पीछे हल्का काम तो होता ही है। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए नया ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट थी आप, मतलब आप नया लेने की सोच रहे होंगे? हाँ जी, चलो छोटा लेते हैं पुराना नाले। कहाँ से ढूंढे आपने ट्रैक्टर फिर भी? ये पंजाब से ले रहा हूँ। अच्छा पंजाब से लेकर आए आप ये ट्रैक्टर, और ये जो तैयार करवाया आपने ट्रैक्टर भाई, पूरा शौक देखो वाकई में आपने ना अपना दिल तक तैयार कर रखा है ट्रैक्टर भाई, पूरा एकदम अलॉय व्हील वगैरह डलवा के आगे पूरा ट्रैक्टर पेंट वेंट करवा के पावर स्टेयरिंग करवाया। हाँ आपने जैसे मतलब कि पुराना मॉडल है, लेकिन आपने ट्रैक्टर एकदम नए जैसे मॉडर्न बना दिया इसको। हाँ जी। इसका कारण क्या है? कारण है तो सहूलत हो जाती है। हाँ देखो काम करते टाइम में थोड़ा हाँ थकावट भी ना हो, ट्रैक्टर भी पावर स्टीयरिंग है, चलो बंदा डबल माइंडेड नहीं होता, एक तरह चला लेता। ठीक 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 ठीक। हाँ नहीं वो तो है, जो इसकी जो पुरानी जैसे माने जो आपने इसमें से हटवाई है चीजें क्या, वो आपके? अच्छा वो सारी चीज़ें आपने रख रखी संभाल के, अब कल को ओरिजिनल की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास ओरिजिनल भी है पूरा पूरा। चलो ये अच्छी बात करी जी आपने, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर दोबारा मिलती नहीं, इसकी मेन मेन समस्या यही है। और आपने जैसे अभी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से भी ट्रैक्टर तैयार कर दिया। और कोई ख़ास बात बताओ ट्रैक्टर, जैसे आपने चलो ठीक है चलाना सीखा है, ऐसी कोई बचपन में यादें जुड़ी हों आपने, जैसे आपको ट्रैक्टर जैसे पहले भी चलाया था मेसी फर्गुसन? हाँ जी मैंने मेसी फर्गुसन चलाया। अच्छा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग गया होगा आपने? डिफरेंस सेम ही है जी। अच्छा सेम है। हाँ। लोड वोड खींचने में जैसे 35 बढ़िया। अच्छा लोड खींचने में कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, और कोई ख़ास बात? जैसे आपने ट्रैक्टर तैयार कहाँ करवाया ये? ये ट्रैक्टर मैंने इसका जो मैकेनिकल काम है अपना वो मिस्त्री है लाडा सिंह। अच्छा अच्छा, अपने यहाँ शहर में ही करवाया, यमुनानगर में। अच्छा छछरौली। हाँ अच्छा छछरौली आपने सारा ट्रैक्टर का काम करवाया है? पेंट करवाया यमुनानगर सोनू के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, यमुनानगर में पेंट करवा लिया। तो आपने जैसे ये अलॉय व्हील डलवाए हैं, इसमें टोटल जैसे अपना कितना खर्चा लग गया ट्रैक्टर में पूरा, जैसे आपने तैयार करवाया खरीदा है और तैयार करवाया? 3 लाख रुपए करीब लग गए भाई ट्रैक्टर, इसमें खरीद भी आ गई, खरीद भी आ गई मेंटेनेंस, और पूरा ट्रैक्टर तैयार किया आपने खुद करवाया बैठ के अपने आप बंदे से बोल के? हाँ देखो खुद करवाने से एक और फायदा है जी, सारी चीज़ों का पता लग जाए कौन सी कहाँ क्या है और कौन सा सामान कहाँ से मिला है। आपने जैसे सामान जो है मेसी फर्गुसन या टैफे का यही डलवाया हुआ है? टैफे का ही ओरिजिनल मीटर सारे टैफे के हैं। अच्छा अच्छा, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल है। अच्छा ये सब कुछ टैफे कंपनी का ही डलवाया आपने? नहीं वो तो है जी, ये चीज़ें दोबारा तो देखो तैयार होती नहीं रोज़ रोज़, तो हम ये काम करवा नहीं सकते इनका, तो इसका तो फ़र्क है ही। जैसे अपना अलॉय व्हील वगैरह सब इसी के अंदर 3 लाख में ही था सारा सामान? सब कुछ चारों टायर में बीकेटी के डलवाए हैं। अच्छा चारों टायर के साथ में 3 लाख रुपये बने आपको खर्चा? 3 लाख तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 HP का ट्रैक्टर आप नया लेने चले जाओ, वो भी 4-4.5 का तो मिलेगा कम से कम।
तो उसके हिसाब से ठीक है लुक में। और कोई ख़ास बात बताओ जी ट्रैक्टर की जी, जैसे ट्रैक्टर तो आपने वाकई में एकदम नई दुल्हन तैयार कर दी एकदम नया बढ़िया पेंट करवा रखे एकदम मेटेलिक पेंट के साथ में, और आगे वेट भी घूमने जाते हैं लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। अच्छा मतलब जैसे आप बाजार में जाते हो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, एक दो तो देखते देखते बाइक का एक्सीडेंट हो गया एक दो कर दिया। अच्छा अच्छा एक्सीडेंट मतलब, अच्छा लोग जैसे सेल्फी के लिए अब ये कौन सी चीज़ देखो वाकई में चीज़ देखने को मिलती नहीं, और फिर छोटा है ना क्यूट सा है ये, कौन सी नई कंपनी आ गई एमटी। अच्छा अच्छा ये भी पूछते हैं, हाँ जैसे ट्रैक्टर छोटा है साइज में छोटा है, और जैसे आपने तो बिल्कुल एकदम नए जैसा यूनिक सा बना रखा है, तो लोग सेल्फी लेने के लिए भी बोलते हैं जी हमें सेल्फी लेनी है। सेल्फी ले लें। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, जैसे आप बता रहे थे जैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले पीछे मुड़ के देखते हैं, वह रोक के देखते हैं वह क्या चीज़ है, वह देखो तो कैसा है, पैसे पूरे हो जाते हैं अगर लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और रोकते हैं। नहीं देखो जी आपका आपका भी शौक पूरा हो गया, लोगों को भी चीज़ देखने को मिली भाई, एक वाक्य में अच्छी चीज़ आपने बना रखी है, तो यही था बाबा। एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाओ जी थोड़ा सा, स्लो रेस करो पूरी स्लो करो इसकी, वो 150 से 200 RPM पर। ठीक 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 ठीक, ये देख लो भाई कोई आवाज़ नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं, डायफ्राम पंप के साथ में। अरे बिल्कुल वाकई में आपने बिल्कुल ट्रैक्टर तो पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार करवा रखा है, आगे वेट वगैरह लगवा के। ये आइडिया आपने कहाँ से आया भाई, आगे वेट लगवाना खड़े करके वेट लगाना, ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? जैसे आपने जो पूरा ट्रैक्टर जो डिज़ाइन करा है देखो, इसके अंदर आपने ट्रैक्टर के अंदर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगवाई, नहीं कोई एक्स्ट्रा, लेकिन यूनिक लग रहा है ये वेट आगे हल्का होता है और भारी चीज़ आगे उठने से। हाँ हाँ वो भी है, शो बन गई इससे। हाँ नहीं नहीं वो तो है, 25-25 केजी की प्लेट लगवा दी आपने तो इसमें शो भी बन गई, और स्टील वेट जंग वंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं। करो बंद करो ट्रैक्टर बंद कर दो, फिर वही वजह से आप नहीं देखो आपको शौक है आपने अपना ट्रैक्टर महिंद्रा भाई एकदम काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर रखी है, मैं अभी दिखाऊंगा वो भी वीडियो के अंदर, इसमें छोटी छोटी यूनिक चीज़ें डाल रखी हैं, यही तो देखो बंदे का प्यार दिखाता अपने ट्रैक्टर के प्रति, और किसान का तो जी देखो बेटा है ट्रैक्टर। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आगे यही दे रहा है ये सारा कमाई सब कुछ, आज इसी के सहारे खड़े हैं भाई, किस खेती अपना काम है तो वो तो चीज़ है। अच्छा आपने पावर स्टीयरिंग करवा दिया, डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। अच्छा 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 आपने डिस्क ब्रेक लगवा दी, अच्छा पीछे भी वेट लगवा रखे आपने। अच्छा अच्छा ये टैफे 35 kg की एक प्लेट, पेंट भी आपने अलग से करवा रखा है भाई, वही डिजाइनिंग का है मेन तो। ठीक ठीक ठीक, लुक वाइज बढ़िया लगेगा। अच्छा ये पेंट पीछे भी हुक पे ड्रॉ बार पे सारा। अच्छा ये डिस्क ब्रेक के साथ में है, वो है जैसे ब्रेक की कोई समस्या ना रहे। अच्छा ये आपने सीट अलग से लगवा दी स्टील, कोई भी बंदा बैठ रहा है बैठ के साथ जा ही सकता है। हाँ वैसे तो मोटू गार्ड का तो स्पेस है नहीं। हाँ नहीं ये देखो जी पर्सनल है तो पर्सनल है, सिंपल ये बात है, एक सीटर वन सीटर गाड़ी अपनी तो। अच्छा ये आपने ये ट्रैक्टर भी इसमें भी ये व्हील लगवा रखे हैं, ये तो जी देखो आपका शौक है चीज। हाँ चलो ऐसा है गाड़ियों में भी अलॉय व्हील डलवाते ही हैं। हाँ हाँ तो ट्रैक्टर में अलॉय डलवाए। नहीं नहीं बताओ की बात सही है जी, ये तो आपने सही किया, अच्छे लग रहे हैं जी ट्रैक्टर चलते टाइम है ना थोड़ा अच्छा लगा है, और आप देखो देखो सिंपल सिंपल छोटी 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 लुक बना रखी है अपने ट्रैक्टर की, चलो जी बढ़िया है तो। और वही है भाई देखो यही है अपनी तो कार। हाँ जी हाँ यही कार है अपनी, खेत में चलती है तो इसी की यही कार है। ठीक ठीक चलो जो और बताओ कुछ अटैचमेंट कुछ ऐसा कुछ लगता हो भाई आपने ट्रैक्टर के बारे में, कोई ख़ास बात ही आपको ध्यान हो वैसे कुछ, जैसे अभी आपने ट्रैक्टर लिया है और कितने दिन से चला रहे हो आप इस ट्रैक्टर को फिलहाल? फिलहाल मैं 3-4 महीने से। अच्छा 3-4 महीने हाँ। चला रहे हो, 3-4 महीने जैसे शहर में जाते हो तो थोड़ा सा लोग हाँ, बोलते हैं भाई। नहीं वो तो है जी, आपने तो और भी ज़्यादा अच्छा तरीके से। और क्या फ्यूचर में क्या सोच रहे हो इसके ऊपर कुछ करवाने की मॉडिफाई, या फिर कोई भी चीज़ अच्छी लगी और वो अपने लगवा दी? जो कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो लगवा देते हैं। नहीं वो तो है जी देखो समय के हिसाब से कोई चीज़ पसंद आ जाए और इस पर अपने सेट करनी है आपने, वो तो अच्छे तरीके से करोगे। सीट वगैरह अपनी एडजस्टेबल लगा रखी है, बड़ी सीट है। हाँ सीट तो देखो बड़ी में थोड़ा हाँ बैठने में फिर उसमें मज़ा आएगा ना, कम्फर्ट में ज़्यादा रहेगा, कम्फर्ट का ज़्यादा मज़ा है। चलो जी एक बार ट्रैक्टर दिखा देता हूँ मैं। और आपने ये जो रोड लगवाई ये किस लिए लगवाई नीचे?
इधर वैसे खींच के लिए है। अच्छा, टोज वगैरह डालने में कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, असेंबली लगाई हुई है सारी लाइट फंक्शन के लिए। अच्छा, ये नए वाली असेंबली जो नए ट्रैक्टरों में आती है आजकल, स्टेयरिंग भी नए उसमें ठीक ठीक। ये अपनी प्लेट है इसकी, ये अपनी इसकी प्लेट लगी हुई है IMT की, IMT के लोगों के साथ में उधर भी जाऊंगा, जिधर भी जाऊंगे। और बाकी अपना सारा सिस्टम आज के मॉडर्न ट्रैक्टर के हिसाब से आपने तैयार कर दिया पूरा एकदम। ये अलॉय व्हील लगवा दी, बढ़िया बढ़िया, एकदम यूनिक सा लग रहा है ट्रैक्टर। सो ये IMT का लोगो फ्रंट में, ये लाइटें वगैरह हेडलाइट, और साथ में इधर से अपना पंप वगैरह। अच्छा, आपने हीटर रख रखा है ट्रैक्टर को अब भी? हाँ जी, हीटर हीटर के साथ में जो आता था पहले, हीटर चालू है। ये अपना पावर स्टीयरिंग जैक यहाँ लगा दिया। ये दूसरी प्लेट रही अपनी ट्रैक्टर की भाई, हीटर का स्विच ये लगा रखा मैंने। अच्छा, ये स्विच हीटर लग जाता है। ये भी आपने एल्यूमिनियम का लगवाया है? हीटर का है ना। हाँ, हीटर का स्टार्टिंग स्विच होता है। अच्छा, ये एंड ब्रेक वगैरह, ये टूल बॉक्स आर्मी का, आर्मी वाला। ये भी आपने काफ़ी अच्छा ढूंढा है, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं आसानी से। मुड गार्ड बड़े करवा दिए मैंने इसके, जैसे मेड इन इंग्लैंड के होते हैं। अच्छा, ये मुड गार्ड बड़े करवा दिया आपने, फिर मिट्टी वगैरह का भी ना डला इसमें, वो भी फायदा है। मिट्टी नहीं आती फिर ऐसे। हाँ, आपने पायदान भी थोड़े चौड़े डलवा दिए, ताकि भाई सुविधा के अनुसार। हाँ जी, ठीक। अच्छा, अपना टायर वगैरह सब कुछ, हेडलाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर वगैरह, लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह, नहीं वो तो पूरा कंप्लीट मिलेगा जी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ट्रैक्टर में। ये पीछे से देख लो भाई, जैसे आपने ना छोटा है ना ऐसा। हाँ, ये टैफे भी वेट भी टैफे गई है। नहीं, आपने जैसे जो भी चीज़ डलवाई ना, जेन्युइन डलवाई ट्रैक्टर के अंदर, ऐसी बात नहीं है। चलो जी, हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ को संभाल के रखा है। और जैसी वीडियो लगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।